So, uh, last class में हमने प्रोटेस्टा स्टार्ट करा था तो बेसिकली हमने कहां से पढ़ा था हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रोटेस्टा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ठीक है तो प्रोटेस्टा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा कि uh, जो ऑर्गेनिजम्स जो प्रोटेस्टा के अंदर आते हैं जिनको हम लोग प्रोटेस्टा के अंदर इंक्लूड करते हैं वो लोग यूनिसेलर होते हैं और यू होते हैं यानी कि वो यूनिसेलुलर होंगे और वो यूकेरियोटिक होंगे ठीक है उन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बेसिकली प्रोटेस्टा के अंदर रखते हैं ठीक है अब इनकी फीचर्स क्या होगी तो इनकी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी ठीक है प्रोटेस्ट यूनि न्यूक्लिएटेड होंगे यानी कि सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी इनके अंदर या फिर ये बाई न्यूक्लिएटेड हो सकते हैं यानी कि दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकती है या फिर इनके अंदर मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकती है ठीक है तो अः uh, सिंस ये है, तो इनकी न्यूक्लियस जो होगी वो हमारी वेल डिफाइंड होगी ही होगी ठीक है ना व्हाट अबाउट लोकोमोशन ठीक है तो अगर प्रोटेस्टा के अंदर लोकोमोशन होती है ठीक है तो लोकोमोशन कैसे होता है प्रोटेस्टा के अंदर फ्लैजला से होगा या सीलिया से होगा या स्यूडोपोडिया से होगा या कॉन्ट्रेक्शन के थ्रू करेंगे या फिर उनके अंदर म्यूसिलेज एक्सट्रूजन होगी ठीक है यानी कि अः म्यूसिलेज जो बाहर की सरफेस पे जो उनकी म्यूसिलेज प्रेजेंट होती है उसके थ्रू उनके अंदर जो होगा वो लोकोमोशन होगा यानी होगा वट अबाउट देयर न्यूट्रिशन तो जो न्यूट्रिशन होती है वो उनके अंदर या तो हेलोफाइटिक होगी यानी कि फोटोसिंथेटिक होगी या इंजेस्टिव होगी जिसको हम लोग होलोजोइक भी बोलते हैं या एब्सॉर्बिव होगी

प्रोटेस्टा होगा वो या तो पैरासाइटिक भी हो सकता है या साप्रोफाइटिक भी होता है पैरासाइटिक हो गया तो वो क्या करेगा कि उसको एक होस्ट बॉडी चाहिए होगी जिसके ऊपर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अ होस्ट चाहिए जिससे वो अपना न्यूट्रिशन करे या फिर सैप्रोफाइटिक होगा दैट मीन्स की Uh, वो डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करेगा अपने फूड के लिए ठीक है तो दिस अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ना तो कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है उनके अंदर रिप्रोडक्शन वो कैसे करते हैं तो जो कॉमन मोड होती है वो ए सेक्चुअल होती है ठीक है ए सेक्चुअल में क्या क्या होता है उनके अंदर बाइनरी फीजन होगी बर्डिंग होगी प्लाज्मोटोमी होगी स्पोरुलेशन होगा या सिस्ट फॉर्मेशन होगी ठीक है दैट मीन्स की बाइनरी फिजन यानी कि दो फिजन के थ्रू डिवाइड करते हैं हो uh, हो हो रिप्रोडक्शन हो होती है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगी तो ठीक है अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन उनके अंदर हो रही है तो वो कैसे होगी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन उनके अंदर मियोसिस से होती है या कैरियोगी से होती है ठीक है अगर मियोसिस से होगी तो उसमें क्या होगा कि uh, कुछ में जाइोटिक फॉर्म्स इन्वॉल्व होंगे yeah. कुछ में गैमेटिक yeah. होंगे ठीक है हम लोग सब लोग जानते हैं uh, के लिए yeah. दो चीजें होती है या तो जाइटिक होता है या होता है होगा तो के इन्वॉल्वमेंट yeah. से होगा और गैमेटिक होता है तो गैमीट्स की प्रेजेंस में होता है ठीक yeah. है तो दिस वाज अबाउट देयर रिप्रोडक्शन फिर हमने क्या स्टार्ट करा कि डोमेन्स ऑफ किंगडम प्रोटेस्टा ठीक है तो अगर हम लोग किंगडम प्रोटेस्टा की बात करते हैं तो उनके अंदर कौन कौन से स्पीशीज आते हैं यानी कि उनके अंदर किस किस को रखा हमने तो किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड करता है हमारा क्राइसोफाइट्स क्राइसोफाइट डायनोफ्लाजिलेट्स स्लाइमोट्स एंड प्रोटोजोन्स ठीक है तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हमारा क्राइसोफाइट्स के बारे में और डायनोफ्लाजिलेट्स के बारे में ठीक है तो आज हम लोग एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे यूग्लेनॉइड्स के बारे में डिटेल्स स्लाइमोट्स एंड प्रोटोजोन्स के बारे में ठीक है तो क्राइसोफाइट्स क्राइसोफाइट क्या था हमारा तो एज द नेम सजेस्ट क्राइसोफाइट्स में उन लोगों को रखा गया था जिनके अंदर प्रेजेंट है एंड गोल्डन एल्गी है ठीक है जिनको हम लोग डेस्मिट्स में बोलते हैं इससे क्वेश्चन भी आता है ठीक है डेस्मिट्स हमेशा याद रखना की डेस्मिट्स का जो कॉमन नेम है वो गोल्डन एल्गी है बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है गोल्डन एल्गी लिख के क्वेश्चन uh, पूछेगा या डेस्मिथ्स लेके क्वेश्चन पूछेगा तो यू शुड नो की व्हाट इज गोल्डन एल्गी एंड सेम ही चीज होते हैं तो क्राइस्टो में हमारे कौन कौन से दो ऑर्गेनिजम्स आ गए एक आ गया हमारा डाया ठीक है एक आ गया हमारा गोल्डन एल्गी ठीक है अब ये लोग मिलते हैं कहाँ है हमें डायाटम्स और गोल्डन एलगी मिलेंगे कहा तो ये हमें फ्रेश वाटर में मिलेंगे या फिर मरीन वाटर में भी मिल सकते हैं इन दोनों जगह पे मिलते हैं ठीक है थीके? नो नो वी माइक्रोस्कोपिक होंगे ही होंगे प्रोटेस्टा नॉट अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फिर ये पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करेंट्स में ठीक है जिनको हम लोग प्लांटॉन्स बोलते हैं तो ये लोग जहां पे भी वाटर जाएगी उसके साथ साथ ये वाटर कारंट के साथ मूव हो रहे हैं क्योंकि ये अब प्रेजेंट होते हैं वॉटर्स में ठीक है नव जो क्राइसोफाइट्स होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, यानी कि दे प्रिपेयर देयर ओन फूड ये लाइट ले करके ट्रैप करके अपना खाना खुद बनाता है ना उस सेल वॉल कैसा होता है तो डायाटम्स का जो सेल वॉल होता है वो सिलिका uh, एम्बेडेड होता है ठीक है बहुत सारे जगह पे उनके अंदर सिलिका एम्बेडेड होती है ठीक है ये लास्ट uh, क्लास में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि उनका जो सिलिका होता है वो बहुत ही ज्यादा होता थिन है वो लेकिन क्या होता है कि वो उनका सेल बहुत स्ट्रांग होता है क्यों स्ट्रांग होता है क्योंकि उसके अंदर सिलिका एम्बेडेड होती है ठीक है uh, और इनके जो सेल्स होते हैं वो इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं यानी कि अगर इनकी डेथ भी हो जाती है ना तो इनका सिलिका बिल्कुल समुद्र के सबसे फ्लोर पे तुमको जाकर के वहां पे उनकी सिलिका मतलब उनका जो शेल होगा वो मिलेगा लेकिन वो कभी भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता उसके अंदर भले ही उसके अंदर का स्पीशीज डेड हो जाए ठीक है अब इनका सेल वॉल कैसा होता है कि उसके अंदर क्या होता है कि टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स प्रेजेंट होगा ठीक है कभी विच फिट टूगेदर एज इन सोप बॉक्स जैसे कि सोप uh, बॉक्स को देखा है कभी भी दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसमें भी ऐसे सेल्स प्रेजेंट हुए देखो ऐसे करके सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपस में बिल्कुल ओवरलैप कर जाता है उसके बीच में ऐसे स्पेस नहीं दिखेगी आपको तो दिस वाज अबाउट द डायटम्स का सेल कैसा होता है तो इसके सेल्स के अंदर क्या होगा कि इनडिस्ट्रक्टेबल uh, होती है बिल्कुल थिन सी सेल होती है उनकी डेथ के बाद भी अगर वो डेड भी हो गया तो वो बिल्कुल बॉटम ऑफ द सी में लेगी लेकिन वो डिस्ट्रक्शन नहीं होती है उसके अंदर अब आते हैं के बारे में तो तो उनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है ठीक है तो मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाइनरी फीजन के थ्रू और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी जो कि बहुत रेयरली होती है तो गैमेटिक म्योसिस होती है ठीक है इनके अंदर जायगोटिक मियोसिस नहीं होती है इनके अंदर गैमेटिक म्यूसिस होती है ठीक है तो दिस वॉज अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ डायटम्स अब इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है ठीक है डायटमेशियस और डायटमाइट इज इंसुलेशन मटीरियल इन रेफ्रिजरेटर ये डायटमेशियस अर्थ मैंने एक्सप्लेन करा था डाएटमाइट आप क्लास में कि जो ये डेड डायटम्स जो डेड हो जाते हैं और उनकी सेल्स जो जाकर के नीचे ओशन या किसी सी के जो बेड पे मिलती है ना तो वो बिल्कुल ऐसे अबंडेंस ऑफ नंबर में ओवर अ पीरियड ऑफ़ टाइम क्योंकि मान लो एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया हंड्रेड इयर्स हो गए तो उतने पीरियड ऑफ टाइम में तो बहुत ज्यादा डाय आइटम्स डेड होंगे तो उतने डाय आइटम्स की जो शेल्स थी जो उसमें प्रेजेंट हुई तो वो एक लेयर बना देती है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली है तो इससे क्या होता है कि डायटमिशियस अर्थ जो होती है उसको बहुत बार इंसुलेशन मटेरियल की तरह यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में ठीक है डायटमाइट को हम लोग क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं जैसे कि टूथपेस्ट में यूज करते हैं मेटल पॉलिश में यूज करते हैं ठीक है डायटम्स जो होता है हमारा पोरस होता है और केमिकली इनर्ट होता है ठीक है देफो इट इज यूज इन फिल्टरेशन ऑफ शुगर यानी कि बहुत ज्यादा पोरस होता है इसके लिए इसको हम लोग यूज करते हैं बहुत सारी फूड आइटम्स को फिल्टर करने के लिए जैसे कि शुगर को फिल्टर करता है अल्कोहल को फिल्टर करता है या फिर एंटीबायोटिक्स को भी फिल्टर करने के लिए हम लोग को यूज करते हैं ठीक है ना मोव टू डायटम आर इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स इन फॉर्म ऑफ फाइव टू प्लांटो एंड देर मेजर सोर्स ऑफ फूड टू एक्वेटिक एनिमल्स ठीक है तो uh, डायाटम्स इन और सीज में प्रेजेंट होता है तो ये बहुत ही मेजर सोर्स होता है हमारा एक्वेटिक एनिमल्स के फूड के लिए ठीक है फूड प्रोवाइड करता है ये हमारे एक्वेटिक एनिमल्स को तो दिस वाज अबाउट डायाटम्स नो मूविंग ऑन अच्छा ठीक है अभी डायग्राम देख लो ठीक है ये हो गया हमारा डायाटम्स ठीक है ये तुम्हारे डायाटम्स है ये भी तुम्हारा डायाटम है ठीक है इनमें लेर देखो वेल्स प्रेजेंट है ये जो इनका देख लो देख लो कैसे ग्रिड बैंड की तरफ प्रेजेंट है इनका ये देख लो या इसकी शेल कवरिंग देख लो ये रिंग्स में अलग अलग शेल्स प्रेजेंट है ये इनका प्लूरल बैंड है ये ग्रिडल बैंड्स प्रेजेंट है इनके अंदर तो ये तुम्हारा ये दोनों जो है हमारा ये और ये डायग्राम ये हमारे डाई आइटम्स के हैं और नीचे में जो दिख रहा है ये हमारा desmites, है हमारा गोल्डन एल्गी या ठीक है मूविंग ऑन टू डायनोफ्लाजुलिट्स ठीक है तो डायनोफ्लाजुलिट्स जो होते हैं हमारे वो मोस्टली मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं यानी कि डा uh, आइटम्स जो था जो हमारा क्राइसोफाइट्स था वो हमारा फ्रेश uh, वाटर में भी मिलता था और मरीन वाटर में भी मिलता था लेकिन जो हमारे डायनोफ्लाजुलिट्स uh, होते हैं वो मरीन ही होते हैं और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि ये भी अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं ठीक है डायफ्लाज येल्लो ब्राउन और गोल्डन ब्राउन इन कलर इनकी कलर कैसी होगी येलो ब्राउन होगी या गोल्डन ब्राउन होगी ठीक है अब इनके अंदर ये कलर्स क्यों होती है गोल्डन ब्राउन या येल्लो ब्राउन क्योंकि इनके अंदर पिंगमेंट्स प्रेजेंट है ठीक है इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी एंड जैंथोफिल्स ठीक है तो इसकी वजह से इनके अंदर ये ब्लू ग्रीन और येलो uh, ब्राउन और गोल्डन कलर्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट है फ्लाज uh, समझ में आ रहा है डायनो मीन टू एंड फ्लैज मीन फ्लाजिला तो डायज्स के अंदर टू फ्लाजिला प्रेजेंट होती है एक जो होगा हमारा वो ट्रांसवर्स होगा और जो दूसरा होगा हमारा वो लॉन्गिट्यूटनल होगा यानी कि एक फ्लाजलाइन के अंदर ऐसा प्रेजेंट होगा और एक फ्लाजिला इनके अंदर ऐसा प्रेजेंट होगा ठीक है मतलब एक ट्रांसवर्स प्रेजेंट होगी एक लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट प्रेजेंट होगी ना इन इसका फायदा क्या होता है कि इनके अंदर जब ट्रांसवर्स uh, और दोनों फ्लैजिला प्रेजेंट है है उसकी वजह से क्या होता डायनो फ्लाजुलेट जो होते हैं वो जो तो करते हैं पेक्युलर स्पाइनिंग मूवमेंट्स ठीक है इनके अंदर एक स्पाइनिंग मूवमेंट्स होती है एक टाइप का पैटर्न ऑफ स्पाइनिंग मूवमेंट्स ये लोग करते हैं इसकी वजह से इनको हम लोग वर्ल्ड भी बोलते हैं ठीक है ये इम्पोर्टेंट है ये वर्ड पूछता है एग्जाम में वर्ल्डिंग विप्स कौन से अः ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं या किसका एग्जाम्पल है किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वोलिंग विप्स ठीक है अब इनके अंदर जो स्टार्च होती है और ऑयल होती है ये इनका स्टोर्ड फूड है ठीक है इनका स्टोर्ड फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होगा या तो स्टार्च के फॉर्म में होगा या ऑयल के फॉर्म में होगा इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसी होती है तो इनके अंदर मेनली एक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जो कि बाइनरी फीजन के थ्रू होती है क्राइसोफाइट्स में भी यही होता था कि मेनली एक्शुअल रिप्रोडक्शन होती थी और वो बाइनरी फीजन के थ्रू होती थी और अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती तो वो बहुत रेयरली होती है ठीक है और लेकिन जुलट्स है कि ये हैप्लोइड होते हैं दो टाइप की सेल्स होती है हैप्लोइड हैप्लोइड सेल्स 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 एंड डिप्लोइड डिप्लोइड हमारी हाफ और डबल तो इनके अंदर हैप्लोइड सेल्स प्रेजेंट होती है इसलिए इनके अंदर जाइगोटिक मियोसिस होती है ठीक है वही हमारे क्राइसोफाइट्स जो थे वो हमारे डिप्लॉइड सेल्स थे उसके अंदर डिप्लॉयड थे वो इसलिए उनके अंदर गैमेटिक मियोसिस होती थी ठीक है बट जो डायनोफ्लाजुलिट्स होते हैं उनके अंदर हमारी जाइगॉटिक मियोसिस होती है तो ये देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनोफ्लैज के एग्जाम्पल है नॉकटेलुका फिर तुम्हारा सिराटियम हो गया गोनिकलेक्स हो गया ये देखो ये बेसिकली रेड डाइनोफ्लाजुलिट्स है ठीक है इसकी वजह से पता है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास आई टॉट यू कि ये बहुत ही डेंजरस होते हैं बहुत टॉक्सिक होते हैं इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है बहुत सारे मरीन एनिमल्स की अगर ये बहुत abundance में अबंडली और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी है कि समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि ये पूरे के पूरे सी में अबंडेंस में ग्रो कर जाते हैं बिल्कुल मल्टीपल्स में ग्रो करने लगते हैं और पूरी की पूरी ऐसे सी को रेड अपियर करवाते हैं लेकिन इसका क्या होता है कि बहुत टॉक्सिन्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर इसकी वजह से बहुत सारे मरीन एनिमल्स की डेथ हो जाती है

आपका स्लाइमोल्स uh, के बारे में और प्रोटोजोन्स के बारे में आज की क्लास में ठीक है तो आई होप कि लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट नहीं थी और टिल नाउ नो बडी हैज एनी डाउट ओके गाइज एनी बडी हैज एनी डाउट तो जस्ट पिन मी इन द चार्ट सेक्शन अभी तक डायनोफ्लाजुल्स तक किसी को कोई भी डाउट सो दैट आई कैन कंटिन्यू टू डेज क्लास मालिनी दीपिका ओके दीपिका इट इज इज इट क्लियर टू यू ओके फाइन नाव लेट्स मूव ऑन टू टू डेज क्लास ठीक है अभी आज हम लोग पढ़ेंगे यूग्लॉइड्स के बारे में एंड देन वील स्टडी अबाउट ठीक है तो आज हम लोग अभी तक हमने दो प्रोटेस्टा के बारे में पढ़ा वन वॉज क्राइसोफाइट अनदर वन वॉज योर डायनोफ्लाजुलिट्स ठीक है तो आज हम लोग पढ़ेंगे युग्लिनॉइड्स के बारे में ठीक है तो पहले क्या हुआ था कि पहले युग्लिनॉइड्स को प्लांट किंगडम में रखा गया था ठीक है क्यों रखा गया था क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी थी ठीक है ये फोटोसिंथेटिक कर पाते थे तो उस टाइम पे इतना रिसर्च नहीं हुआ था इनके अंदर इनकी आ, बस इस एबिलिटी को देख करके इनको क्या किया गया कि हमने प्लांट किंगडम के अंदर में इनको रख दिया गया ठीक है लेकिन जो ग्लियोनोइड्स बेसिकली प्रोटोजोन्स आप उनको प्लांट किंगडम के अंदर में जस्ट बिकॉज़ कि आपने एक फीचर देखा तो उस बेसिस पे इनको प्लांट किंगडम के अंदर तो रखा जा नहीं सकता दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ठीक है क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस तो होती थी लेकिन इनके अंदर क्या होता था कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी और एनिमल्स की तरह इनके अंदर न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट नहीं थी एंड एनिमल्स लाइक तो कुछ साइंटिस्ट ने इनको क्या किया था कि पहले इनको प्लांट किंगडम में रख दिया कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया कि इनको एनिमल किंगडम में रख दिया बट दोनों जगह ये बिलोंग ही नहीं करते थे क्योंकि इनके अंदर क्या था हमारा कि यूग्लेनोइड्स के अंदर हमारा सेल वॉल एब्सेंस था तो प्लांट का तो बेसिक फीचर होता है कि उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट प्रेजेंट होनी चाहिए बट इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी अब इनके अंदर एनिमल्स की तरह न्यूट्रिशन प्रेजेंट नहीं थी तो इनके अंदर इनको हम एनिमल किंगडम में भी नहीं रख सकते थे तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आ, आ रही थी यूग्लेनोइड्स को प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम में रखने में तो जब प्रोटो प्रोटेस्टा बना किंगडम तो यूग्लेनॉइड्स को फिर इसके अंदर प्लेस किया गया ठीक है तो बट नाउ अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दे आर इंक्लूडेड इन प्रोटेस्टा ठीक है बट अर्लियर इनको प्लांट किंगडम में रखा कुछ साइंटिस्ट ने कुछ साइंटिस्ट ने इनको एनिमल किंगडम के अंदर रख दिया था

जो होता है ना ये पेलिकल जो है ये यूक्लोराइड का बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ पेलिकल ठीक है तो इसको याद रखना ठीक है इनका सेल मेम्बरेन जो होता है वो कवर्ड होता है पेलिकल से ठीक है ना व्हाट पेलिकल किस चीज का बना होता है तो पेलिकल में हमारा लाइपोप्रोटीन्स प्रेजेंट होता है ठीक है और जो लाइपोप्रोटीन्स जो हमारा पेलिकल होता है वो इलास्टिक की तरह वर्क करता है ठीक है उसके अंदर इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है उनका नेचर इलास्टिक होता है ठीक है तो अः जो सेल मेमब्रेन होती है हमारी यूग्लेनोइड्स की वो क्या होती है कवर्ड होती है विथ पेलिकल्स पेलिकल किस चीज का बना होता है पेलिकल इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन और इनके अंदर क्या होता है इलास्टिक इन नेचर होता है ये ठीक है अब यूग्लेनोइड्स की एक और फीचर इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट है ठीक है देख रहे हो एक एक करके ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखो पहले इनके अंदर हमने पढ़ा कि पेलिकल्स प्रेजेंट थे फिर हमने पढ़ा कि इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट है ठीक है तो इनसे क्या होता है कि अः ये जो कॉन्ट्रैक्ट contract, कॉन्ट्रेक्टाइल इनके अंदर वेक्यूअल्स प्रेजेंट है ये क्या करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं ठीक है ये जो होता है ये के अंदर जो हमारे प्रेजेंट होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन करवाते हैं ठीक है, है? तो के अंदर ये ऑस्मो रेगुलेशन जरूरी है या कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूअल्स प्रेजेंट होना क्यों जरूरी है ये तो फोटोसिंथेटिक करते हैं लेकिन अगर मान लो कि इनको सनलाइट नहीं मिली ठीक है और इनके अंदर सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी जब इनके पास सनलाइट नहीं मिलेगा तो क्या होता है कि ये हेट्रोटॉप्स की तरह बिहेव करने लगते हैं और ये क्या करते हैं कि प्रिडेट करते हैं कि ये तो फोटोसिंथेटिक होते हैं कि हमारे अगर मान लो उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट नहीं मिली फोटोसिंथेसिस का मतलब ये होता है कि लाइट के प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करना अब मान लो यूग्लेनॉइड किसी ऐसे जगह है जहां उनको uh, आपका फोटोसिंथे नहीं हो पा रहा है वहां पे सनलाइट की प्रेजेंस नहीं है सनलाइट डिप्राइब एरिया है तो वहां पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है कि की तरह बिहेव करने लगते हैं और की तरह बिहेव यानी कि ये फूड किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं दैट मीन्स कि ये प्रिडेट करते हैं दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पे ठीक है ये उनको अपना खाना बनाते हैं तो ये थी यूगलेनॉइड्स की एक अलग टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ठीक है तो अब क्या हो गया कि न्यूट्रिशन के बेसिस को पे हम लोग क्या करते हैं कि यूग्लिनॉइड्स को हम लोग बोलते हैं कि ये मिक्सोट्रॉपिक है ठीक है अब तक हमने देखा था कि क्राइसोफाइट्स और ड्राइनो जो हमारे थे वो फोटोसिंथेटिक थे लेकिन जो हमारा युगलेनॉइड्स होता है वो जो होते हैं हमारे वो मिक्सोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं ठीक है अब इनके अंदर क्यों इनको मिक्सोट्रॉपिक बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर होलोफाइटिक और होलोजोइक दोनों टाइप के न्यूट्रिशन होलोफाइटिक वो हो गई कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं और हो गई कि जब ये प्रीडेट करते हैं ठीक है थीके? तो अभी मैंने समझाया कि से, यानि कि से सनलाइट प्रेजेंस में फूड खुद बनाएंगे लेकिन अगर सनलाइट नहीं मिली तो ये क्या करते हैं कि ये बिहेव करने लगते हैं हमारा अड्रोट्रॉप की तरह और ये प्रिडेट करते हैं स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पे ठीक है न इनका रिजर्व फूड मटेरियल क्या है ठीक है तो जब हमने उसमें देखा था डायनोफ्लाजिलेट्स में कि उनका रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च और ऑयल था इनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है पैरामायोलम ठीक है और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये पैरामायोलम ग्रेन्यूल्स के प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है ना कि क्लोरोप्लास्ट में ठीक है इनके अंदर जो होता है क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है इनके अंदर होता है और उसके अंदर ये मल्टीप्लाई कैसे, कैसे करेंगे तो ये क्या होता है कि लॉन्गिट्यूटनल बाइनरी फीजन करते हैं ये लोग इनके अंदर भी बाइनरी फीजन होती है लेकिन लॉन्गिट्यूटनल टाइप ऑफ होती है यानी कि इनका न्यूक्लियस कुछ ऐसा डिवाइड होता है ठीक है में, लेकिन अगर इनके अंदर अनफेवरेबल कंडीशन हो गई तो सिस्ट फॉर्मेशन करके ये इनके अंदर जो होता है हमारा रिप्रोडक्शन होता है लेकिन सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता है इनके अंदर भी ए सेक्शुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ठीक है अभी देखो ये एक डायग्राम है युगलोनॉइड की ठीक है Now, युगल... युगलिना को स्टार्ट में मैंने बताया कि युगलिना जो हमारा था युगलिनोइ जो हमारे थे उनको पहले प्लांट किंगडम में कुछ साइंटिस्ट ने रखा था उनको साँटे, कुछ साइंटिस्ट ने एनिमल किंगडम के अंदर रखा था अल्लस एन अंटिल की फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं आई तो ये क्यों रखा गया था ठीक है क्योंकि तो उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे दिख रहे थे प्लांट के लाइक कुछ कैरेक्टर uh, दिख रहे थे हमें एनिमल्स की तरह तो इसी बेसिस पे युगलिना को जो हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम बोलते हैं ठीक है क्यों क्योंकि इनके अंदर दोनों की तरफ फीचर्स होते हैं बिकॉज इट शोज फीचर्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है अब इनके अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टर्स क्या क्या पढ़ा हमने कि इनके अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टर्स क्या क्या थे तो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था ठीक है इनके अंदर क्लोरोफिल्स के साथ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था ठीक है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट्स में और क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होते हैं ठीक है थीके? तो ये एक एक फीचर था इनका जो प्लांट्स की तरह था दूसरा फीचर इनका क्या था कि इनके अंदर होलिक न्यूट्रिशन होती है यानी कि ये फोटोसिंथेटिक करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस तो प्लांट्स की भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तो ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे ये जो दो कैरेक्टर्स थे ये इनके प्लांट्स की तरह थे ठीक है इनके अंदर वैसे ही सिमिलरली इनके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं जो इनके अंदर एनिमल्स की तरह होते हैं ठीक है वो फीचर्स क्या होते हैं कि इनके अंदर पेलिकल्स प्रेजेंट होते हैं मैंने बताया प्रोटीनिशियस पेलिकल्स प्रेजेंट होते हैं स्टिग्मा प्रेजेंट होता है उसकी वजह से क्या होता है कि आ, हम लोग इनको बोलते हैं कि इनके अंदर एनिमल लाइक कैरेक्टर्स है उसके बाद इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है मैंने बताया था ताकि इनको हेल्प करता है जो कि इनको हेल्प करता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने के लिए प्रिडेट करने के लिए दूसरे स्मॉल uh, ऑर्गेनिजम्स पे तो ये भी इन uh, इनका एनिमल लाइक फीचर है कि ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं और इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूअल्स प्रेजेंट होता है ठीक है नाउ तीसरा एनिमल लाइक फीचर इनके अंदर क्या होगा कि ये लॉन्गि रिप्रोडक्शन करते हैं लॉन्गिट्यूटनल बाइनरी फीजन के थ्रू ठीक है ये भी एक फीचर जो है हमारा ये एक फीचर है एनिमल लाइक फीचर तो सिमिलरली इनके अंदर कुछ प्लांट फीचर्स है इनके अंदर कुछ एनिमल फीचर है जिसकी वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं कि युगलिना जो होता है हमारा वो कनेक्टिंग लिंक होता है प्लांट और एनिमल किंगडम के बीच क्योंकि इसके अंदर प्लांट लाइक -like कैरेक्टर्स भी होते हैं इसके अंदर एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिलते हैं ठीक है दिस इज अ वेल diagram डायग्राम ऑफ योर युगलॉइट ठीक है तो ये देखो पहले तो यहाँ से देखो ये स्टिग्मा प्रेजेंट है इनके अंदर देख रहे हो ये स्टिग्मा प्रेजेंट है इस चीज हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं स्टिग्मा जो था यानी कि आई स्पॉट भी बोलते हैं स्टिग्मा को तो ये किसकी तरह फीचर है ये एनिमल लाइक -like फीचर है इनका फिर यहाँ पे देखो इनके अंदर भी फ्लाजिला प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इनको लोको में हेल्प होती है ये इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, है न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है फिर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जो कि तुम्हारा प्लांट लाइक कैरेक्टर है देखो ये प्रेजेंट प्रेजेंट ये इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है फिर इनके अंदर पॉलीसेकेराइड्स ये प्रेजेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस uh, की वजह से स्टोर हुए हैं फिर इनके अंदर ये देखो ये है इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्योल प्रेजेंट ठीक है इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट टाइल वेक्यूअल्स मैंने बताया ये एनिमल लाइक फीचर है इनका ये इनको हेड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हेल्प करता है यानी कि अगर इनको सनलाइट नहीं मिलती है तो यही कॉन्ट्रैक्ट टाइल इनको हेल्प करता है स्मॉल uh, ऑर्गेनिजम्स की प्रे करने को प्रे करने में ठीक है फिर ये देखो ये इनके अंदर फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है तो दिस इज बेसिकली अ डायग्राम ऑफ यूग्लिनॉय ठीक है नाउ दिस वाज ऑल अबाउट यूग्लिनोइड्स अभी हम लोग पढ़ेंगे स्लाइमोल्स के बारे में ठीक है तो स्लाइमाउल्स हमारा क्या है ठीक है दीज ऑर्गेनिजम्स डेवलप अ स्लाइमी मास ठीक है स्लाइम तो सब लोग देख रहे हो कि ऐसा स्टिकी सा यू नो इलास्टिसिटी होती है कोई उनका ऐसे सेल uh, वॉल या कोई स्ट्रक्चर मतलब स्लाइम से मुझे लगता है एज अ किड सबने प्ले किया है तो स्लाइम देख रहे हो सेम ही होते हैं ठीक है थीके? तो ये क्या होता है कि बीज ऑर्गेनिजम डेवलप अ स्लाइमी मास एट द टाइम ऑफ देयर वेजिटेटिव फेज आर कॉल्ड एज स्लाइमोल्स इनको हम लोग स्लाइमोल्स क्यों बोलते हैं क्योंकि जब इस ऑर्गेनिज्म का वेजिटेटिव फेज चल रहा होता है तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि एक स्लाइमी मास क्रिएट कर लेते हैं ये एक स्लाइमी मास बनाते हैं जिसकी वजह से इनको हम लोग स्लाइमोल्स बोलते हैं स्लाइम स्लाइमोल्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटेस्ट ठीक है अभी तक हमने सब में देखा कि Prysofites हमारे जो थे वो फोटोसिंथेटिक थे थे जो था हमारा वो फोटोसिंथेटिक था और जो यूगलेनॉइड्स थे हमारे वो जो यूग्लेनोइड्स था हमारा वो फोटोसिंथेटिक भी था वो वो हेटरोट्रॉपिक भी था यानी कि वो लेकिन जो स्लाइम माउथ होता है हमारा वो सैप्रोफाइटिक होता है यानी कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंड करता है अपने फूड के लिए ठीक है द मॉडी मूव्स अलोंग ट्विग्स एंड लीव्स गल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल ठीक है तो जितना भी डेड लीव्स ये सब होता है उनके साथ ये इनकी हाउस की बॉडी मूव करती है और फिर जो उनके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको इनगल्फ कर लेती है ठीक है ना अब सुटेबल कंडीशंस अगर इनको मिलती है तो क्या करते हैं कि ये एक एग्रेगेशन बनाते हैं जिसको कि हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट प्लाज्मोडियम जो होती है ये बहुत ज्यादा सेवरल फीट्स तक भी ग्रो कर सकती है ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट स्लाइम माउट्स मिल करके एक एग्रीगेशन फॉर्म कर लिए एक अपना चेन बना लिए बेसिकली समझो कि डिफरेंट डिफरेंट स्लाइम माउट्स हैं ये एक अपना एग्रीगेशन बना रहे हैं तो ये क्या होता है कि सेवरल फीड्स तक ये लंबी होती जाती है अगर इनको सुटेबल कंडीशन मिलता है तो ये इस वे में ग्रो कर जाते हैं ठीक है इसको बेसिकली हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं ठीक है अब अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा ठीक है ये तो थी फेवरेबल कंडीशन की बात की फेवरेबल कंडीशन में ये सेवरल फीड ग्रो कर जाते अब अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा कि अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम जो होता है वो डिफ्रेंशिएट करता है ठीक है और फ्रूटनिंग बॉडीज बनाता है जिनके अंदर स्पोर्ट्स प्रेजेंट होती है इनके टिप्स पे ठीक है और जो स्पोर्ट्स होते हैं उनके अंदर ट्रू वर्ल्ड प्रेजेंट होती है यानी कि देखो जब इनका फेवरेबल कंडीशन था तो क्या हुआ फेवरेबल कंडीशन में ये इन्होंने प्लाज्मोडियम बनाया यानी कि सेवरल फीट तक ये ग्रो कर गया इनको फेवरेबल कंडीशन मिल रही है ये सेवरल फीट तक स्लाइमल्स ग्रो कर रहा है बट वही जब अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो क्या होगा कि मान लो एक प्लाज्मोडियम है ये डिफरेंशियट करने लगेगा ये अलग अलग जगह से कर जाएगा ये प्लाज्मोडियम प्लाजमोडियम से डिफरेंशिएट हो गया ये प्लाज्मोडियम यहां से डिफरेंशिएट हो गया ये मान लो यहां से डिफ्रेंशिएट हो गया तो इस वे में क्या होता है कि जब अगर अनफेवरेबल कंडीशन इनको मिलती है तो ये डिफ्रेंशिएट करते हैं ठीक है थीके? और डिफरेंशियट करेंगे तो ये, इस बॉडी को फिर क्या बोलते हैं इनको हम लोग बोलते हैं फ्रूटनिंग ट्रूव प्रेजेंट होता है ठीक है, 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 है अब क्या होता है कि जो स्लाइमोल्स होते हैं वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं ठीक है ठीके? ये जल्दी मरते नहीं है स्लाइमोल्स कितने भी एडवर्स कंडीशंस में रख दो इनको कितना भी बिना हवा पानी के रख दो तो ये सर्वाइव कर लेते हैं ये बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं तो स्लाइमो जो होता है हमारा वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स ठीक है इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस यानी कि कितना भी एडवर्स कंडीशंस दे दो उनको बट स्टिल दे विल सर्वाइव फॉर मेनी 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 ईयर्स ठीक है नाउ द स्पोर्स आर डिस्पोर्ज बाय है ये जो हमने पढ़ा था कि अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हो गई तो फ्रूट निबॉडीज बनेंगी उनके स्पोर्स प्रेजेंट हो गए तो उनके जो टिपे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो एयर की वजह से डिस्पर्स हो जाते हैं ठीक है एयर की वजह से डिस्पर्स हो गया इनका स्पोर्स तो जिस जिस जगह पे गया इनका स्पोर्स उस उस जगह पे इनका स्पोर्स फिर नया एक अपना स्लाइम मॉल्ड का स्पीशीज बन गया एक नई स्प... स्लाइमोल्ड पर तो इस वे में इनका रिप्रोडक्शन भी हो रहा है यानी कि देखो ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये एक अपना रिप्रोडक्शन कर पा रहे ठीक है Now, इनका रिजर्व फूड क्या होता है इनका रिजर्व फूड ग्लाइकोजन और ऑयल होता है जैसे डायनोफ्लाजिलिट्स में हमारा स्टार्च एंड ऑयल था इनके अंदर ग्लाइकोजन और ऑयल के फॉर्म में फूड uh, स्टोर होता है ठीक है अब अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिवाइड करते हैं तो दो टाइप का स्लाइम मोल्ड होता है एक होता है एसेल्युलर स्लाइमोल्स और एक होता है सेलुलर स्लाइम नाम से ही समझ आ रहा है कि ये ए सेलुलर है यानी कि इसके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं है और अगर ये सेलुलर है तो दैट कि इसके अंदर सेल प्रेजेंट है है ठीक तो ये था ए सेलुलर एंड सेलुलर स्लाइम मॉल्स हमारे दो टाइप के स्लाइम स्लाइमोल्स होते हैं ना रिप्रोडक्शन क्या होती है इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसी होगी तो इनके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होगी और सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी होगी ठीक है अभी देखो ये देखो एक स्लाइमॉल का एग्जाम्पल है ये इनके अंदर न्यूक्लियर प्रेजेंट है ये इसका एंडोप्लाज्म है ये इसका एक्टोप्लाज्म है एक्टोप्लाज्म हो गया आउटर सर्फिस एंडोप्लाज्म हो गया अंदर का सर्फिस बेसिकली ये है हमारा स्लाइमोल्स uh, का स्ट्रक्चर अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्र है कि अः uh, जो सेलुलर स्लाईमोल्स होते हैं हमारे आई टोल यू कि दो टाइप के स्लाईमोल्स होते हैं एक होता है हमारा ए सेलुलर स्लाईमोल्स एक होता है हमारा सेलर स्लाईमोल्स दो जो सेलुलर स्लाईमोल्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर आ, प्लांट और एनिमल दोनों के फीचर्स होते हैं ठीक है इनके अंदर जो होगा प्लांट्स और एनिमल्स से, ए सेलुलर स्लाइन मॉल्स के अंदर नहीं होता है लेकिन जो सेलुलर टाइप ऑफ स्लाइम मॉल्स होते हैं उनके अंदर जो होता है हमारा उनके अंदर प्रेजेंट होता है दोनों का कैरेक्टर्स प्लांट का भी फीचर प्रेजेंट होता है और एनिमल का भी फीचर होता है तो इनके अंदर एनिमल लाइक फीचर क्या प्रेजेंट है कि इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है वेजिटेटिव फेज में और इनकी जो फीडिंग होती है वो इनका जैसे मान लो अमीबा का एक एग्जाम्पल ले लो तो इनके अंदर भी सेल वॉल एब्सेंट होता है ये वेजिटेटिव uh, फेज में वेजिटेटिव फेज में एनिमल्स के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं मिलती है और प्लांट लाइक फीचर इनका क्या है कि रिप्रोडक्टिव फेज में ये प्लांट जैसे बिहेव करते हैं यानी कि इनके अंदर स्पोर्स uh, होती है जिनका सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि सेलुलोज का बना होता है जस्ट लाइक प्लांट्स ठीक है मैंने बताया था ना कि इनके अंदर जो स्पोर्ट्स प्रेजेंट होती है वो ट्रू वॉल्स पोजेस करती है यानी कि इनके अंदर ट्रू सेल वॉल्स प्रेजेंट होती है स्पोर्ट्स के अंदर जो कि जो सेल वॉल uh, होती है हमारी वो सेलुलोज की बनी हुई होती है ठीक है तो ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेलुलर uh, स्लाइमोल्स की उसके अंदर दोनों के फीचर्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है फिर ये डायग्राम था हमारा स्लाइमोल्स का नाउ मूविंग ऑन टू द ऑफ दास्ट वो है हमारा प्रोटोजोन्स तो जितने भी प्रोटोजोन्स है वो हमारे हेट्रोट्रॉप होते हैं ठीक है अभी तक हमने एक भी ऐसा स्पीशीज नहीं पढ़ा था जो प्योरली हेट्रोट्रॉपिक हो युगलेना हमारा हेट्रोट्रॉपिक था लेकिन युगलेनोड क्या था हमारा कि उसके अंदर uh, यूक्लिनोइड को हमने मिक्सोट्रॉपिक रखा था क्योंकि वो ऐसे तो फोटोसिंथेसिस करता था लेकिन हेट्रोट्रॉप्स की तरह बहुत सनलाइट के एब्सेंस में ही बिहेव करता था तो इसलिए उनको हमने मिक्सोट्रॉपिक बोला लेकिन जो प्रोटोजोन्स होते हैं हमारे वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं ठीक है थीके? और ये जो होते हैं ये प्रेडेटर्स या पैरासाइट की तरह लीव करते हैं ठीक है थीके? या तो ये खुद किल करेंगे या फिर ये पैरासाइट बनेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना होस्ट बना करके उनकी बॉडी पे रह करके और उनसे फूड स्टोर करते हैं ठीक है नाउ प्रोटोजोन्स को हम लोग प्रिमेटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल बोलते हैं क्योंकि ये हेटरोट्रॉप्स हैं, प्रिडेट करते हैं पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं इसलिए हम लोग जो प्रोटोजोन्स हैं उनको प्रिमेटिव रिलेटिव बोलते हैं एनिमल्स के ठीक है ठीक है पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स दूसरा फ्लैजलेटेड तीसरा है, है सीलिएटेड और चौथा स्पोरोजोन्स नाम से ही सब समझ आ रहा होगा अमीबॉइड है यानी कि अमीबा है फ्लैजलेटेड है यानी कि फ्लैजिला प्रेजेंट है सीलिएटेड है यानी कि सीलिया प्रेजेंट है और स्पोरोजोन्स है यानी कि इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होंगे ठीक है तो अभी वन बाय वन देखते हैं हम लोग कि हमारा अमिबॉयड प्रोटोजोन्स क्या होता है हमारा फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स क्या है या सिलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या है या फिर स्पोरोजोन्स क्या होता है ठीक तो, uh, है तो स्टार्टिंग विद द अमेबोइड प्रोटोजोन्स ठीक है अमेबोय प्रोटोजोन्स क्या होते हैं तो अमेबोयड प्रोटोजोन्स का लोकोमोटरी ऑर्गेन जो होता है हमारा वो स्यूडोपोडिया होता है अमीबा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट अमीबा को तो सबने देखा होगा यानी कि एक या दो इनके अंदर स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होगा यानी कि स्यूडोपोडिया मीन्स इनके अंदर फॉल्स फीड्स प्रेजेंट होती है ठीक है जो स्यूडोपोडिया होता है ये इनका लोकोमोटरी ऑर्गेन होता है स्यूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीड जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करती है ठीक है इनकी हैबिट एंड हैबिटाइट क्या हो जाएगी ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे सी वाटर में मिलेंगे सी वाटर में मरीन में मिलेंगे और या फिर मॉइस्ट सोइल में मिलेंगे गीली मिट्टी में मिलेंगे तो हमें कहा कहा मिलते हैं फ्रेश वाटर वाटर में, में सी या फिर में मिलेंगे ठीक ना वो इनका फूड कैप्चरिंग वे क्या है ठीक है प्रे इज कैप्चर्ड बाय पुटिंग ऑन माइक्रोराइजा ठीक है यानी कि स्यूडोपोडिया यानी कि इनका जो फॉल्स फीट होता है वो पुट ऑन करके अपना आ, अपना जो होता है ये फूड ब्रे कैप्चर करते हैं ठीक है सॉरी गईज ये माइक्रोराइजर uh, गलती से यहाँ आ गया दिस इज नॉट अबाउट ये प्रोटो अमेबॉइड प्रोटोजोन्स का फीचर नहीं है बेसिकली माइक्रोराइजर uh, नहीं आना है इसमें ठीक है तो ये गलती से आ गया है जस्ट uh, इजर okay. नहीं होता है इनके अंदर ठीक है तो ये फूड कैप्चर कैसे करते हैं कि इनका जो फूड कैप्चरिंग होता है ये अपना फॉल्स फीड को पहले पोटिन करते हैं मतलब देखो कि मान लो कि अमीबा है ये ठीक है लेट्स अज्यूम दिस इज अमीबा ठीक है यहाँ पे मान लो कि अके इमेजिन यहाँ इनका ये फूड है ठीक है तो ये क्या करता है कि ये धीरे धीरे ये इनका स्यूडो पोडियहा रखेंगे ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा अमीबा ठीक है और धीरे धीरे ये फिर ग्रो करके क्या करता है फिर ये ग्रो करेगा और धीरे धीरे ये फिर ऐसे मर्ज करके इनको इनगल्फ कर लेता है तो ये इनका सीडोपोडिया था जो प्रे के तरफ गया प्रे को कैप्चर अपना स्यूडोपोडिया फॉल्स फीड जो होता है इनका ये पुट ऑन करके ये फूड कैप्चर कर लेते हैं ठीक है यानी कि ये अमीबा देखा फिर ये देख लो कि ये क्या करता है कि धीरे धीरे ऐसे बना करके ये इनके अंदर इसके अंदर फूड आया और धीरे धीरे ऐसे ये अपने फूड को कैप्चर कर लेते हैं ठीक है जो अब जो भी अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं उनका जो मरीन फॉर्म होता है यानी कि फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं जो मरीन फॉर्म होता है उनके अंदर सिलिका सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी सरफेस पे ठीक है डायटम्स में भी देखा था सिलिकेशियस सेल्स प्रेजेंट थे वैसे ही मरीन फॉर्म जो अमेर प्रोटोजोन्स होता है उनके अंदर भी सिलिका सेल्स प्रेजेंट होता है उनके सरफेस पे लेकिन जो फ्रेश वाटर फॉर्म होता है या जो मॉइस्ट सॉइल में रहेगा उनके अंदर सिलिका सेल्स प्रेजेंट नहीं मिलेगा आपको ठीक है ना वो एग्जाम्पल क्या हो गया हमें बॉइड प्रोटोजोन्स का अमीबा इंटा अमीबा ठीक है इंटा अमीबा तो पैरासाइट्स की तरह काम करता है इंटा अमीबा को रहने के लिए एक होस्ट बॉडी चाहिए होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की पर अमीबा जो होता है वो प्रिडेटर्स की तरह बिहेव करता है हमने पढ़ा था ना कि ये जो होता है ये या तो प्रिडेटर्स होते हैं या फिर पैरासाइट्स होते हैं तो अमीबा जो है हमारा वो प्रिडेटर है और इंटा अमीबा जो है हमारा वो पैरासाइट है ठीक है इनको होस्ट बॉडी चाहिए होती है Now, ये देखो ये एक अमीबा का एग्जाम्पल है देख रहे हो ये इनका स्यूडोपोडिया है हैज यू कैन सी आई टोल्ड यू ये स्यूडोपोडिया इनका ये इक्टोप्लाजम है इनका वाटर वेक्यूल्स प्रेजेंट है इनके अंदर कॉन्टेक्ट्राइव वेक्यूअल्स प्रेजेंट है फूड वेक्यूल प्रेजेंट है तो देखो यही जो इनका आउटर ये जो फॉल्स फीट है इनका स्टूडोपोडिया इसी को ये इनलार्ज कर लेते हैं और मान लो यहाँ अगर कोई फूड प्रेजेंट है तो फिर ये स्ट्यूडोपोडिया इसको ऐसे बनाएगा और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे इसको प्रे कर लेता है इस इसपे बेसिकली प्रिडेट कर लेता है तो दिस इज अ वेल डिफाइंड एग्जाम्पल ऑफ अमीबा क्या लोकोमोटरी ऑर्गेन होता है फ्लाजुला एज द नेम सजेस्ट इनका फ्लाजुला होता है अमेबोड प्रोटोजोन् जैसे स्यूडोपोडिया प्रेजेंट था वैसे ही इसमें फ्लाजुला प्रेजेंट होता है जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है ठीक है नाउ इनकी हैबिट और habit के बारे में पढ़ते हैं तो ये या तो फ्री लिविंग होंगे या पैरासाइटिक होंगे ठीक है लेकिन कुछ एक्वेटिक होंगे या तो ये ऐसे खुद ही कहीं भी एयर वेयर में प्रेजेंट होंगे या फिर ये किसी होस्ट बॉडी पे प्रेजेंट होंगे या फिर ये एक्वेटिक होंगे यानी कि पानी के अंदर प्रेजेंट मिलेंगे नाउ द पैरासाइटिक फॉर्म्स कॉज डिजीजेस ठीक है अब फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं ठीक है थीके? इनका जो पैरासाइटिक फॉर्म्स होता है यानी कि फ्री लिविंग फॉर्म्स नहीं ना ही एक्वेटिक फॉर्म जो इनका पैरासाइटिक फॉर्म्स हमने पढ़ा वो क्या करता है कि कुछ डिजीजे इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोम और लिस्मेनिया ठीक है ट्रिपो ट्रिपेनोसोमो और लिस्मेनिया जो होता है वो भी स्लीपिंग सिग्नल कॉज करवाता है ये बेसिकली इनके पैरासाइटिक फॉर्म ऑफोजोम्स है तो ये एग्जाम्पल देखो इनका ये हो गया तुम्हारा आ, लिस्मेनिया का एग्जाम्पल है ठीक है ये तुम्हारा लिसमेनिया है दोनों टाइप्स के इसके दो फॉर्म्स होते हैं एक हो गया प्रोमेस्टिगोर्ट फॉर्म और ये हो गया एमेस्टिगर्ट फॉर्म बेसिकली इनके अंदर जो होती है शेप की डिफरेंस होती है ठीक है ये देखो इसका फ्लाजिला है ये इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है गोल की बॉडीज प्रेजेंट है माइट्रोकॉन्ड्रियॉन प्रेजेंट है क्योंकि जो हमारा प्रोटोजोन्स होते हैं वो यू कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ठीक है तो इनके अंदर आपको गोल्गी बॉडीज भी मिलेगी इनके अंदर आपको माइट्रोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा इनके अंदर न्यूक्लियस भी मिलेगी तो इनके अंदर सब कुछ मिलता है ठीक है तो ये हमारा एग्जाम्पल है बेसिकली का इनके अंदर फ्लाजुला प्रेजेंट है थर्ड जो है हमारा वो है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स ठीक है तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गेन क्या होता है सीलिया ठीक है और इनके अंदर ऑन द कोर्डिनेटिव मूवमेंट ऑफ

इनके अंदर एक फूड कैविटी प्रेजेंट होती है बेसिकली उसके अंदर वाटर और फूड प्रेजेंट होता है इनका एक गलत कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि इनके सेल सरफेस पे खुलता है जाकर के यहाँ से ओपन होगी इनकी गलत कैविटी जो कि आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस पे प्रेजेंट होती है जिसके अंदर बेसिकली वॉटर गया फूड गया ऐसा होता है कुछ इनकी हैबिट habit, हैबिटाइट क्या होती है ये एक्वेटिक होते हैं फ्री लिविंग होते हैं पैरासाइटिक होते हैं ठीक है या तो ये पानी में मिलेगा या तो ये फ्री लिविंग होगा या फिर ये पैरासाइटिक नेचर होगा ठीक है अब इनका फूड कैप्चर कैसे होता है तो अभी बताया कि गलेट होती है जो कि बाहर की तरफ आउटर सेल सरफेस पे खुली होती है जिसके अंदर की फूड और वाटर जाते हैं ये देखो ये एग्जाम्पल दिखाया था ना कि इनके अंदर ठीक है तो गलेट के अंदर क्या होती है सिस्टोस्टोम ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिससे कि फूड इंजेक्शन होता है फूड अंदर जाता है ठीक है और इनके अंदर एक साइटोपाइस प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से इजेशन होता है मतलब समझो कि मान लो कि ये एक इनकी गलत कैविटी है ठीक है तो इनके अंदर एक सिस्टोस्टोम प्रेजेंट होगा जिससे खाना अंदर आएगा और एक इनके अंदर जो होगा वो साइटोपाइस प्रेजेंट होगा जिसकी जिससे कि फूड बाहर जाएगा यानी कि इजेशन होगी इससे इंजेशन होगा और इससे इजेशन होगा मान लो जितने भी क्रेटरी प्रोडक्ट होगी वो इससे बाहर जाए जो इनके काम की चीज नहीं है जो इनको खाने के बाद यानी इससे फूड एंटर करेगा और इससे फूड बाहर की तरफ इजेक्ट होता है तो जिससे फूड इंजेस्ट होती है उसको हम लोग सिस्टोम स्टोम बोलते हैं और इसको हम लोग सिस्टोपाइज बोलते हैं ठीक है एंड फूड डाइजेशन इन फूड वेक्यूल इन फ्री लिविंग फॉर्म्स और जो फूड की डाइजेशन होती है वो फूड वेक्यूल्स में हो जाती है इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा पैरामोशियम और ओपेल ठीक है पैरामोशियम बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है एक सीलिएटेड टाइप ऑफ प्रोटोजोन्स का तो यहाँ देख सकते हो कि ये एक हमारा वेल ये वेललेबल डायग्राम है पैरामीशियम का ठीक है अभी देखो इसमें मैं दिखा रही हूँ तुमको फूड विक्यूल्स ये देखो ये इनके अंदर जो होता है ये देखो ये इनका फूड विक्यूअल है ये भी इनका फूड विक्यूअल प्रेजेंट है ठीक है और ये देखो ये ये देख रहे हो इनके अंदर ये सब जो दिख रहा है ये सीलिया प्रेजेंट है ये एनलपोर प्रेजेंट है जिससे कि इजेशन हो जाती है माइक्रोन्यूक्स प्रेजेंट है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है इनके अंदर भी ताकि इसके थ्रू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का रोल अभी मैंने समझाया था कि क्या होता है कि बेसिकली प्रोडेट करने में हेल्प करता है स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को तो दिस इज अबाउट पैरामीशियम ठीक है इनके अंदर एनल पोर भी है जिससे फूड इजेशन होगा इनके अंदर एक अः कॉन्ट्रेक्टायल प्रेजेंट है जिससे कि फूड इजेशन होती है और फूड जो होता है वो फूड के फॉर्म में स्टोर हो जाता है इनके अंदर लोकोमोशन एबसेंट होता, लोको होता है इनकी हैबिट और हैबिटाइट क्या होगी कि ये सारे पैरासाइट होते हैं ठीक है मोस्टली इंट्रासेलर पैरासाइट्स होते हैं दैट अ इंफेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल तो जो होता है जो ये पैरासाइट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलर नहीं होते यानी कि ऊपर से नहीं दिखते ये सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनके पैरासाइट्स जो होते हैं वो सेल के अंदर में प्रेजेंट मिलेंगे और इनके अंदर क्या होता है कि इन्फेक्शन पोर लाइक स्टेज होती है इनके लाइफ साइकिल के अंदर यानी कि ये इन्फेक्शन कॉज करवाता है इनका जो स्पोर्स होता है वो इन्फेक्शियस होता है इसका एग्जाम्पल हो गया प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्ट ठीक है तो अभी देखो ये वेलेबल डायग्राम है एक प्लाज्मोडियम का ठीक है देखो इसके अंदर फ्लाजिला नहीं दिख रहा है सीलिया नहीं दिख रहा है इसके अंदर स्यूडोपोडिया भी नहीं है फॉल्स फीड भी नहीं लेकिन वेल न्यूक्लिएटेड है ये ये तुम्हारा यू ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इनके अंदर अपैरेटस दिख रही है फूड वेक्योल्स मिल रही है देखो कॉन्सेंट्रेट बॉडी राइजोजोम्स न्यूक्लियस प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म वैक्यूल मतलब जितनी चीज यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है इसके अंदर सारा कुछ मिलेगा आपको ठीक है प्लाज्मोडियम के अंदर जो होता है हमारा वो सब कुछ प्रेजेंट मिलता है तो इसी वजह से अभी तक देखा है जितने भी डायग्राम्स मैंने शो करी जितने भी प्रोटोजोन्स के डायग्राम्स देखे हो सबके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है इसीलिए हम लोग जो होता है यू केरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है ठीक है थीके? ये यू केरियोट्स होते ऑल्दो ये सिंगल यूनीसेलर हुई होते हैं लेकिन ये यू केरियोटिक होते इनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट नहीं है मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट नहीं है लेकिन अः uh, जो इनकी सेल uh, है वो हमारी यूकेरियोटिक टाइप ऑफ है वेल well डिफाइंड है सब कुछ प्रेजेंट होता है इसके अंदर ठीक है तो विद दिस प्लाज्मोडियम दिस वाज अबाउट किंगडम प्रोटेस्टर एंड प्रोटोजोन्स तो इसको आज की क्लास में हम लोग खत्म uh, कर लिए प्रोटोजोन्स को ठीक है अभी नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विथ योर किंगडम फांगाई ठीक है प्रोटोजोन्स में दैट वॉज ऑल वॉट इज नीडेड फॉर यू पीपल टू स्टडी जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो इतना ही थे अभी किसी को डाउट है तो जस्ट टेल मी क्यूंकि कल की क्लास में विल नॉट रिक विथ प्रोटोजोन्स कल हम लोग डायरेक्टली फंगाई से स्टार्ट करेंगे इफ एनी बडी हैज एनी डाउट तो जस्ट लेट मी नो इन दै सेक्शन और यू कैन जस्ट डू अर हैंडवेज सो दट आई कैन अनम्यूट यू पीपल Tipika, Malini, anybody, any doubt in any topic in protesta? Because today I'm taking the last class for protesta. Uh, from next class, I'll start with fungi. Be next class, I won't be doing a recap. So if you have any doubt, we are having five more minutes. Uh, just let me know okay Mani, um everything is clear to you people like uh, dinoflagellates chrysophytes euglenoids protozoans slime mouths everything is clear to you people okay cool if everything is clear to uh, we'll end this class here only in the next class we'll start with kingdom fungi okay okay thank you all and i'll upload the notes uh so you can just go and check there okay okay thank you guys